बंदर और मगरमच्छ एक दिन एक मगरमच्छ नदी में से निकला और जामुन के पेड़ के नीचे लेट गया। वहाँ एक बंदर था जो उस जामुन के पेड़ पर रहता था। तुम कौन हो? मैं एक मगरमच्छ हूँ और मैं खाने की खोज में बहुत दूर से आया हूँ। ये लो खाओ। मगरमच्छ को जामुन बहुत अच्छे लगे। बंदर ने उसे वचन दिया कि जब भी मगरमच्छ वहाँ आएगा वो उसे जामुन खिलाएगा। आर लो, खाओ। इतने दिनों में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। आर लो। बंदर ने उसे थोड़े जामुन उसकी पत्नी के लिए भी दिए। बंदर और मगरमच्छ बड़े अच्छे मित्र बन गए। मुझे ये जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। तब मैं तुम्हारे लिए थोड़े और लाऊंगा। मगरमच्छ की पत्नी बड़ी ईर्ष्यालु थी। एक दिन उसने मगरमच्छ से कहा कि उन्होंने हमेशा बंदरों को मारकर खाया है, तो मगरमच्छ ने इस बंदर से मित्रता क्यों की? मगरमच्छ ने कहा कि वो तो हम दोनों का ही बड़ा अच्छा मित्र है। मगरमच्छ की पत्नी बंदर को खाना चाहती थी। मेरे मित्र, तुम रोज मुझे जामुन खिलाते हो, मेरी पत्नी भी ये जामुन खाकर बहुत खुश होती है। उसने बंदर को अपने जाल में फंसाने के लिए एक योजना बनाई। तुम अपने दोस्त को घर क्यों नहीं बुलाते? मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता। वो और लालची होती गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए बंदर को खाने की उसकी इच्छा बढ़ती ही गई। उसने अपनी योजना को अमल में लाने का निश्चय किया। मैं बीमार हूँ और वैद्य ने कहा है कि मैं तभी ठीक हो सकती हूँ जब मुझे बंदर का दिल खाने को मिले। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वही तो एक मेरा मित्र है, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि जब वो अपने मित्र बंदर से मिलकर लौटेगा तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। उसे पत्नी के लिए बंदर का दिल लाना ही होगा। तो मगरमच्छ ने अपनी पत्नी का जीवन बचाने का निश्चय किया। जब वो उस दिन अपने मित्र से मिलने गया, उसने बंदर को अपने घर पर आमंत्रित किया। पर मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? तुम तो पानी में रहते हो, अगर मैं डूब गया तो? हम नदी के किनारे रहते हैं, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। ठीक है। उसने बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार करने लगा। जैसे जैसे नदी गहरी होती गई बंदर को डर लगने लगा। मुझे आगे मत ले चलो वरना मैं मर जाऊंगा। मैं तो तुम्हें मारना ही चाहता हूँ और तुम्हारा दिल अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए ले जाना चाहता हूँ। बंदर तेजी से सोचने लगा क्योंकि उसे खुद को बचाना था। उसे अपनी चालाकी से मगरमच्छ से छुटकारा पाना था। मैंने अपना दिल जामुन के पेड़ के छेद में रखा है। ऐसी बात है तो चलो वापस चलकर उसे लेकर आते हैं। मगरमच्छ वापस जामुन के पेड़ की तरफ गया। चालाक बंदर मगरमच्छ की पीठ से कूदा और जामुन के पेड़ पर ऊंचा जाकर बैठ गया। तुम अपनी पत्नी के पास वापस जाओ और उससे कहो कि उसका पति इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है। मगरमच्छ ने अपना एक अच्छा मित्र खो दिया था। शेर और खरगोश। एक घने जंगल में एक बड़ा और भूखा शेर रहता था। सभी जानवर उससे डरते थे क्योंकि प्रतिदिन वो कई जानवरों को मारकर खा जाता था। शेर सभी जानवरों को जल्दी मार ना डाले इसलिए उन्हें कोई रास्ता ढूंढना था। आपस में तय करने के बाद वो शेर के पास पहुंचे। हम सब यहाँ आपसे अपनी बात कहने आए हैं। हम आपकी प्रजा हैं और राजा को प्रजा की आवश्यकता है। अगर आप सबको खा जाएंगे तो फिर कोई भी प्रजा नहीं बचेगी। हम रोज एक जानवर आपके पास आपकी गुफा में भेज देंगे।
इस तरह बिना शिकार किए आपको भोजन मिल जाएगा। शेर बात मान गया। उसने कहा कि अगर भोजन नहीं भेजा तो वो सबको मार डालेगा और फिर उस दिन से रोज एक जानवर शेर की गुफा में भेजा जाने लगा। ये योजना काम कर गई। एक छोटा चालाक खरगोश जब शेर के पास भेजा गया तो उसने खुद की और दूसरे जानवरों की जान बचाने की सोची। उसने एक उपाय सोचा और शेर के पास पहुंच गया। उसे देखकर शेर क्रोधित हो उठा। मेरी खुराक के लिए तुम छोटे हो, बेईमानी करने के लिए मैं सबको सबक सिखाऊंगा। मैं सबको मार डालूंगा। महाराज कृपया हमें दोष न दे, आपके लिए 6 खरगोश आए थे लेकिन एक दूसरे शेर ने 5 खरगोश खा लिए। दूसरा शेर कौन है? वो कहाँ रहता है? वो बहुत बड़ा है और वो मुझे भी खाना चाहता था। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे खाओगे तो आप उसे खा जाएंगे। उसने शेर को बताया कि दूसरे शेर को गुस्सा आया और उसने कहा कि वही इस जंगल का सबसे शक्तिशाली शेर है और केवल वही इस जंगल का राजा है। उसने डींग मारी कि वो आपको दिखा देगा कि असली राजा कौन है। ये सुनकर शेर आग बबूला हो उठा। उसकी दहाड़ से जंगल कांपने लगा। मुझे उस मूर्ख तक ले चलो, जब तक उसे मार ना डालूं मुझे चैन नहीं पड़ेगा। जी महाराज, आप उस शेर को दिखा दीजिए असली राजा कौन है। वो उस शेर को जंगल में ले गया। वो उसे एक गहरे कुएं पर ले गया और नीचे इशारा करके बोला कि दूसरा शेर वहाँ नीचे रहता है। शेर ने कुएं में झांका और कुएं में अपनी परछाई देखी। उसे लगा कि वहाँ दूसरा शेर है। शेर को बेहद गुस्सा आया और दूसरे शेर पर आक्रमण करने के विचार से वो कुएं में कूद पड़ा। एक छपाके के साथ वो पानी में गिरा और डूब गया। छोटा चालाक खरगोश खुश होकर वहां से लौट पड़ा। वापस आकर उसने सभी जानवरों को वो किस्सा सुनाया। जंगल के सभी जानवर खुश हो गए कि उनका सबसे बड़ा शत्रु मारा गया। तुम तो बहुत चतुर निकले मेरे नन्हे दोस्त। और तुमने सारे जानवरों को हिम्मत दिलाई। बोलने वाली गुफा। एक बार एक घने जंगल में एक गुफा के अंदर एक चालाक गीदड़ रहता था। हर सुबह गीदड़ अपनी गुफा से बाहर आता था। कल का दिन बुरा था, उम्मीद है आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। यहाँ स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। यहाँ रहने वाले जानवर का इंतजार करता हूँ। ये क्या है? ये तो पैरों के निशान है। मैं सावधान रहूंगा, गुफा में कोई घात लगाए हुए है। निशान तो ताजे है और एक ही तरफ जा रहे हैं, मेरी गुफा की ओर, और वापस नहीं आ रहे हैं। मतलब मेरी गुफा में एक शेर है। क्या अभी भी वो वही है या फिर चला गया होगा? कैसे पता करूं? एक उपाय सोचा है। मैं गुफा से बात करने का बहाना करूंगा। सुनो गुफा,
आज शाम तुम कैसी हो? तो वो आ गया, पर मुझे चुप रहना होगा। अगर मैं बाहर जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा तो वो भाग जाएगा। मैं उसे यही पकड़ूंगा। उसे आने दो, मैं उसे दबोच लूंगा। कितनी भूख लगी है। सुन रही हो गुफा? कैसी हो तुम? तुम्हें याद नहीं कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें जवाब देना होगा ताकि मुझे पता चले कि तुम अकेली हो। तुम्हें तो याद होगा है ना? अगर तुम चुप रहोगी तो मुझे लगेगा कोई अंदर है, फिर मैं अंदर नहीं आऊंगा। ये गुफा बात करती है। अगर मैं चुप रहूंगा तो वो समझेगा कि कुछ गड़बड़ है और वो भाग जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जवाब दूंगा। आओ गीदर, तुम्हारा स्वागत है। दिन कैसा रहा? शेर अभी भी गुफा में है। मुझे फौरन भाग जाना चाहिए। अरे नहीं, गीदड़ ने बुद्धू बना दिया। अब मुझे अपना खाना खुद तलाशना होगा। नीला सियार। एक दिन एक सियार जंगल के बीच में बनी जुलाहे की झोपड़ी पर पहुंचा। उसे एक बड़ा हौज दिखाई दिया। वो बहुत भूखा था। उसे लगा कि वहां शायद कुछ खाना पड़ा हो। पर अफसोस, वहां तो खाने को कुछ भी नहीं था, बस अजीब सा रंगीन पानी था। वो कपड़ों का रंग था जिसका उपयोग जुलाहा करता था, पर सियार को ये मालूम नहीं था। उसने हौज में झांकने का निश्चय किया और फिसल कर उसी में गिर पड़ा। अपने आप को नीला रंगा हुआ देखकर सियार को बहुत शर्म आई। सियार ने दुखी होकर अपनी परछाई को देखा। ये क्या, जंगल के सारे जानवर मुझ पर हंसेंगे। फिर उसे एक उपाय सूझा। लेकिन अगर मैं दिखावा करूं कि ये रंग तो सिर्फ महान नेता का ही हो सकता है तो वो सब मुझसे डरेंगे और राजा की तरह मेरा सम्मान करेंगे। सियार ने गर्व से जंगल में प्रवेश किया और दूसरे जानवरों से कहा कि देवराज इंद्र ने स्वयं उसे जानवरों का नेता चुना है। मैं अब इस जंगल का महाराजा हूँ। उसका नीला रंग इसी का प्रतीक है। सियार अपनी नई स्थिति का आनंद उठाने लगा। वो सचमुच बहुत प्रसन्न था। हालांकि सियार को पता था कि वो गलत काम कर रहा है। उसने दूसरे जानवरों पर ये प्रकट नहीं किया। वो बहुत घमंडी हो गया। भालू, बाघ और शेर, अब मैं तुमको अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। वो सबको बेवकूफ बना रहा है। कह रहे हो तुम? हम बेवकूफ नहीं है। हम बेवकूफ नहीं है। वो अपने आप को समझता क्या है? आखिर वो भी तो हमारे जैसा है। चलो हम उसे ढोंग करने का सबक सिखाते हैं। तुम सब मिलकर अब मेरे भोजन की व्यवस्था करोगे। मंत्रणा के दौरान उसने दूर से आती एक सियार की आवाज सुनी। उसे बहुत ही आनंद आया और बिना सोचे वो भी हुआ हुआ करके चिल्लाने लगा। भालू, चीता, शेर और वहां उपस्थित सभी जानवर समझ गए कि ये और कोई नहीं साधारण सियार है जो उन्हें मूर्ख बना रहा है। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सियार को घेर कर उसका काम तमाम कर दिया। मूर्ख सारस। एक बार एक घने जंगल में एक बड़े बरगद के पेड़ पर सारस का परिवार रहता था। माँ और उसके बच्चे। माँ को हर रोज उड़कर बाहर जाना पड़ता था और बच्चों के लिए खाना लाना होता था।
उसी बरगद के पेड़ के नीचे बिल में एक दुष्ट सांप रहता था जो हमेशा भोजन ढूंढता रहता था। जब उसने सारस के बच्चों को अकेला देखा, वो जान गया कि वो सब उड़ नहीं सकते, तो वो उन्हें खा गया। जब माँ सारस लौट कर आई तो अपने बच्चों को ना पाकर बहुत दुखी हुई। कुछ महीने बाद उसने फिर कुछ बच्चों को जन्म दिया। उस दुष्ट सांप ने फिर सभी बच्चे खा लिए। माँ सारस इससे बहुत दुखी और नाराज हुई और पड़ोस में रहने वाले केकड़े से मिलने गई। प्यारे केकड़े, मैं तुम्हारे पास बड़ी मुसीबत में आई हूँ। मेरा घर संसार उजड़ गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। वहाँ एक बहुत बड़ा सांप है जो मेरे बच्चों को घोंसले में अकेला पाकर हड़प कर जाता है। वो मेरे बहुत सारे बच्चे खा गया है। खैर, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आखिर सांप को भी भोजन चाहिए। ओ केकड़े, कृपया मेरी मदद करो। तुम्हारे भी तो बच्चे हैं। तुम चुपचाप अपने बच्चों को मारे जाते कैसे देख सकती हो? मेरी मदद करो, मेरा और कोई नहीं है। मैं उसकी मदद क्यों करूं? सारस भी तो केकड़ों को खाते हैं। मुझे एक उपाय सूझा है। पास ही में एक नेवला रहता है। अगर तुम मांस के टुकड़ों की एक लकीर सांप के बिल तक बना दोगी तो नेवला वहाँ जाकर सांप को मार डालेगा। फिर तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, है ना? हैं? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम निश्चिंत होकर जाओ। तो माँ सारस ढेर सारा मांस ले आई और टुकड़े नेवले के बिल के सामने गिराने लगी। इस तरह उसने सांप के बिल तक रास्ता बना दिया। सांप असावधान था। नेवले ने उसे थोड़ी ही देर में मार गिराया। अब नेवले को सारस के घोंसले का ध्यान आया। वो जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ा और बेचारी सारस के बच्चों को भी खा गया। माँ सारस ने फिर अपने बच्चे खो दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये नहीं सोच सकी कि नेवले सारसों को भी खा जाते हैं। सारस और केकड़ा। एक समय की बात है, एक सारस मछलियों से भरे तालाब के पास रहता था। वो तालाब की मछलियां खाता था और खुश रहता था। समय बीतने के साथ सारस बूढ़ा और दुर्बल होता गया और अपने खाने के लिए मछलियां पकड़ना उसके लिए मुश्किल होने लगा। उसे भय लगा कि भूख के कारण वो जल्दी ही मर जाएगा। तब उसे एक उपाय सूझा। वो उदास होकर तालाब के किनारे खड़ा हो गया और पास में तैरती हुई मछलियों को भी नहीं पकड़ा। मछलियां, मेंढक और केकड़े सभी ने ये महसूस किया कि ये कितना उदास है। आप इतने उदास क्यों हैं चाचा जी? हाँ, हमेशा की तरह मछलियां क्यों नहीं पकड़ते? मेरे पास एक बुरी खबर है। कुछ लोग इस तालाब को मिट्टी से भरकर इसमें पौधे उगाने जा रहे हैं। फिर इस तालाब में एक भी मछली नहीं बचेगी। तुम हमारे दोस्त हो, अब तुम ही हमें बचा सकते हो। हमें दूसरे तालाब में ले चलो। मैं बहुत बूढ़ा हूँ और मुझे कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। बीच बीच में आराम भी चाहिए होगा। आश्वासन पाकर मछलियाँ राजी हो गईं। सारस ने चक्कर लगाने शुरू किए। उसने पहले थोड़ी मछलियाँ उठाई और उन्हें दूसरे तालाब में ले जाने के बजाय वो उन्हें चट्टान पर ले गया। उसने उन्हें खाया। उनकी हड्डियाँ चट्टान पर ही छोड़कर उसने थोड़ी देर आराम किया। जब उसे फिर भूख लगी तो वो वापस तालाब पर गया और थोड़ी और मछलियाँ लाकर उन्हें खाने लगा। जब भी उसे भूख लगती वो तालाब पर चला जाता। अब तालाब में बची हुई मछलियों के साथ एक बड़ा केकड़ा भी बचा था। उसने भी सारस से मदद मांगी।
चाचा जी मुझे भी मरने से बचा लीजिए। स्वाद बदलने के लिए मुझे केकड़ा खाने को मिलेगा। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त, आओ चलो तुम्हें भी बड़े तालाब पर ले चलता हूँ। जैसे ही सारस ने पंख फैलाए और केकड़े को लेकर उड़ा, केकड़े ने नीचे देखा, उसे कोई बड़ा गहरा तालाब नहीं दिखाई पड़ा, उसे कहीं पानी तक नहीं दिखा। चाचा जी, वो बड़ा तालाब कहाँ है जहाँ आप मुझे ले जा रहे हैं? अब मैं टूवे खाने जा रहा हूँ, जैसे मैंने दूसरी सारी मछलियों को खा लिया है। भयभीत केकड़े ने नीचे देखा और उसे एक चट्टान पर मछलियों की हड्डियों का ढेर दिखाई पड़ा। उसने अपने तीखे पंजे से सारस का गला जकड़ लिया। उसने इतनी जोर से पकड़ा कि सारस का दम निकल गया। केकड़ा वापस अपने तालाब में गया और दूसरी मछलियों को सारा वृत्तांत कह सुनाया। शुक्रिया प्यारे केकड़े, तुमने उस दुष्ट सारस से हमारी रक्षा की। और उस दिन से वो सभी राजी खुशी रहने लगे। गवैया गधा। एक धोबी के पास एक गधा था। गधा बूढ़ा और दुर्बल था। दिन के समय गधे को कपड़ों का भारी बोझ उठाना पड़ता था, पर रात के समय वो जहाँ चाहे जाने के लिए आजाद था। एक रात गधा एक गीदड़ से मिला और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे एक साथ भोजन की तलाश में निकले। उन्हें पके हुए खीरों से भरा एक खेत मिला और उन्होंने भर पेट खीरे खाए। हर रात वे यही करते और जल्दी ही गधा मोटा तगड़ा हो गया। एक रात भोजन के बाद गधा कुछ अधिक ही खुश हो गया। कितनी सुंदर रात है, पूनम का चांद भी साथ है, मेरा गाने का मन कर रहा है। ठीक है ठीक है, तुम्हें खुशी हो रही है, पर इतनी रात को गाना अच्छी बात नहीं। हम चोर हैं और अगर किसान ने सुन लिया तो हम पकड़े जाएंगे। मुझे अब शांत हो जाओ। गाना है, मुझे गाना गाना ही है। तुम्हें गाना नहीं चाहिए क्योंकि तुम बड़े बेसुरे हो। तुम मेरी प्यारी आवाज से जलते हो। चुप हो जाओ, किसान सुन लेगा, फिर जो होगा वो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। गधे ने बात नहीं मानी और गाने लगा। धीरे धीरे उसका रेंकना बढ़ता गया। गीदड़ ने उससे मिन्नतें की, पर गधे ने नया गाना शुरू कर दिया। गधे को अंतिम बार सावधान करके गीदड़ वहां से भाग गया। गधे का रेंकना और भी तेज होता गया। कैसी आवाज है हा? कोई गधा चिल्ला रहा है। ये गधा रात में क्यों चिल्ला रहा है? चलो उसकी अच्छी तरह पिटाई करते हैं। और गाओ, और उन्होंने गधे को पकड़कर उसकी जमकर मरम्मत करने के बाद उसके गले में एक भारी पत्थर लटका दिया। किसी तरह गधा वहां से भागा, घिसटता हुआ खेत से निकला और अपने दोस्त गीदड़ से बाहर मिला, जो वहां उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मानकर गलती कर दी। गीदड़ ने बेचारे गधे के गले से पत्थर निकालने में उसकी मदद की। फिर एक साथ उस खेत से जितनी दूर उनकी टांगे ले जा सकती थीं, वो दोनों भाग गए। तीन मछलियां। एक बार एक झील में तीन बड़ी मछलियां रहती थीं। वो एक दूसरे से एकदम अलग थीं, पर आपस में गहरी दोस्त थीं। उनमें से एक बहुत बुद्धिमान थी और कोई काम करने से पहले अच्छी तरह सोचती थी। दूसरी मछली समझदार, चालाक और हमेशा खुश रहने वाली। तीसरी मछली भाग्य को मानती थी। उसे विश्वास था कि भविष्य कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वो होगा ही। एक दिन पहली मछली ने अपनी दोस्तों से कहा कि पानी में खेलते समय उसने कुछ मछुआरों को बात करते हुए सुना है। वो कितनी बड़ी और सुंदर मछली है। आज ये मछुआरे फिर से आ गए। हाँ, लगता है ये झील बड़ी मछलियों से भरी हुई है, कल यहाँ मछली पकड़ने आएंगे। तीनों मछलियाँ जान गईं कि उनकी शांतिपूर्ण जिंदगी खत्म हुई। उन्हें फैसला करना था,
पहली मछली मछुआरों के आने से पहले ही झील छोड़ देना चाहती थी। हमें उस नहर के रास्ते दूसरी झील में चलना चाहिए। मुझे तो इसका विश्वास नहीं होता। अपने बचाव का दूसरा रास्ता ढूंढती हूँ। मैं यहाँ पैदा हुई और हमेशा से यही रही हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब जो होना है वो तो होगा ही। पहली बुद्धिमान मछली ने झील छोड़ दी। तो जब अगले दिन मछुआरे आए, उन्होंने दूसरी मछलियों के साथ बाकी दोनों मछलियों को भी पकड़ लिया। तो फिर तुमने क्या सोचा है? मैं मरने का नाटक करूंगी तो वो मुझे वापस फेंक देंगे। मछुआरों ने मरी हुई मछलियों के साथ उसे भी फेंक दिया। वो किसी तरह उछलती हुई झील तक पहुंची और पानी में कूद गई। यही मेरा भाग्य है। मैं और अब क्या कर सकती हूँ? तीसरी मछली जाल के अंदर मचलती रही। एक मछुआरे ने उसे जोर से डंडा मारा और वो मर गई। अपने शिकार को ले मछुआरा वहां से चला गया। जबकि दूसरी मछली अफसोस से देखती रही कि काश उसकी दोस्त थोड़ी समझदार होती। समझदार हंस। एक घने जंगल में एक बरगद का पेड़ था, जिसकी फैली हुई शाखाओं पर ढेर सारे पक्षियों ने अपना घर बना रखा था। हंसों का एक झुंड हर साल वहां अपना आशियाना बनाने आता था। एक दिन एक बूढ़े हंस ने एक लता पेड़ पर चढ़ती हुई देखी। सुनो बच्चों, वो बेल बड़ी होगी और उसके सहारे इंसान पेड़ पर चढ़कर हमें पकड़ लेंगे। उस पर ध्यान मत दो, वो हमेशा बुरी बातें ही बोलता है। वो कभी सच नहीं होती। और फिर उन्होंने बूढ़े हंस की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लता चढ़ती गई, बढ़ती गई और मजबूत होती गई। उसने बरगद के तने को चारों ओर से घेर लिया और पेड़ के एकदम बीचों बीच तक पहुंच गई। एक दिन एक शिकारी उधर से गुजरा। आज का दिन तो बहुत बढ़िया है। और उसने ऊपर देखा, उसे लता दिखी। यह पेड़ तो चिड़ियों से भरा हुआ है। इस पर तो लताएं भी हैं और इनके सहारे मैं उन तक पहुंच सकता हूं। शिकारी ने अपना जाल बिछा दिया और जब हंस घर लौटे तो वे उसके जाल में फंस गए। वे छटपटाए पर जाल से छूट नहीं पाए। मैंने तुमसे कहा था ना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। हमें अपनी मूर्खता पर दुख हो रहा है, आप हमारी मदद कीजिए। हम अभी मरना नहीं चाहते। बूढ़े हंस ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसके मन में एक विचार आया। तुम सभी को मैं एक उपाय बताता हूँ। सभी हंसों ने उसकी बात खुशी से मान ली। उसने उन्हें शिकारी के लौटने पर मरने का नाटक करने को कहा। शिकारी ने उन्हें मरा हुआ समझकर सभी हंसों को नीचे फेंक दिया। हम बच गए। तुम्हारे अनुभव और समझदारी की हम सब कद्र करते हैं, शुक्रिया। सभी हंस डूबते हुए सूरज की दिशा में उड़ गए, आजाद होने और जिंदा रहने की खुशी में।